देखिए केजरीवाल जी को जो बेल मिली है, ये जो सो कॉल लिबरल हैं देश के, मुझे लगता है कि उनके मुंह पे आज देश के न्यायतंत्र ने बहुत बड़ा एक 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 उनको एक सबक सिखाया है कि आप जब देश के लोकतंत्र पे सवाल उठते हैं, जब किसी के ऊपर गंभीर आरोप होते हैं, उसका उसको ईडी उसके खिलाफ कार्यवाही करती है, कोर्ट उसको जमानत नहीं देती है, तब ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या सरकार द्वारा की जाती है। अगर सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या होती तो आज क्यों उनको बेल मिलती? तो मुझे लगता है ऐसी ओछी बातों से लोगों को समझना चाहिए कि जो गुनहगार होगा उनको सजा मिलेगी, वो कोई भी पार्टी का, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जब एजेंसी अपना काम कर रही है तो उसको लोकतंत्र का दुरुपयोग करा जा रहा है। ऐसे एविडेंस हैं एक्साइज कांड में कि उस एविडेंस के आधार पर यह पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को अक्यूज बनाया गया। इतने गंभीर आरोप के बाद भी ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हुई इसलिए अरेस्ट किया गया, बेल नहीं मिल रही है, तो अब उसका जवाब दे। अब बेल मिली है तो आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे देश की जनता के सामने? कौन सा मुंह लेके जाएंगे? और केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप दिल्ली की जनता ने आप पे इतना भरोसा किया था, जो एविडेंस आपके खिलाफ है, क्या आज इस एविडेंस के आने के बाद आप जनता को फेस कर पाएंगे? जो आपने कहा था कि आप करप्शन के मुद्दे पे जनता को जो वादा किया था उसका जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एविडेंस आपकी और आपकी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के है, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। और उस एविडेंस के सामने जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार आपको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। आप कितना भी प्रचार कर लें, जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और असली चेहरा आपका बाहर आ चुका है, और दिल्ली की जनता इसका जवाब आपको 4 जून को जरूर देगी।